एंड साइलेंस और दी टू इफेक्टिव टूल्स ऑफ लाइफ स्माइल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस अवॉइड्स मेनी प्रॉब्लम. तो साइलेंस यानी शांत रहना और स्माइल मुस्कुराहट. तो मुस्कुराहट और शांत रहना जीवन के दो महत्वपूर्ण उपकरण या औजार हैं. मुस्कुराहट से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है और शांति यानी चुप रहने से बहुत सी समस्याएं स्वतः ही टल जाती हैं. तो ये दोनों जरूरी है, इसका उपयोग करने की कोशिश करें कि कभी कभी शांत रहना भी जरूरी होता है. स्माइल एंड साइलेंस आर दी टू इफेक्टिव टूल ऑफ लाइफ. जीवन के ये दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, अस्त्र हैं कह सकते हैं आप व्यक्ति का, जिसका उपयोग आप करें. स्माइल कास्ट नथिंग, कुछ नहीं खर्चा होता है जेब से. तो स्माइल सॉल्व द मेनी प्रॉब्लम, हंस के आप बहुत सी समस्याओं का मुस्कुराहट के साथ समाधान कर सकते हैं. अगर कोई गुस्सा हो रहा है, आप पे कुछ बोल रहा है, आप अपना टेम्पर न लूज करें. आप अगर मुस्कुरा देंगे तो धीरे धीरे उसका भी गुस्सा कम हो जाएगा, फिर वो डिस्कशन पे आ जाएगा. तो इसलिए, और दूसरा है पेशेंस, सॉरी साइलेंस, कि शांति. चले इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने की. तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कल मैंने डिस्कस किया था आपको, तो लैक ऑफ पर्सनालिटी एंड लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशन. तो लैक ऑफ पर्सनालिटी एंड लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशन lack of personality and lack of human relation. कल दो रह गया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अनुदेश में कमियां, अनुदेशक के व्यक्तित्व के कारण और उसके मानवीय पहलुओं में जो कमी होती है उसके कारण क्यों और कैसे होती है. कल हमने डिस्कस किया था कि अनुदेश में 4 स्टेप ऑफ टीचिंग में किस स्टेप में क्या कमी होती है, बैड मैनरिज्म ऑफ द टीचर इन द क्लास क्या हो सकता है, और प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कल हमने डिस्कस किया था. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई एक पॉइंट आप में से कोई बताएगा? सब पीछे देख रहे हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई एक, चलो पढ़ के ही बता दो भाई पीछे से. हाँ बैठ के ही बता दो आप, पॉइंट्स आप बता दें, एक्सप्लेन ना करें, केवल पॉइंट्स बता दें. पॉइंट्स को चले बता दें, क्या बता रही थी आप? प्रिंसिपल ऑफ हम्म,
वो तो रिव्यू आपने बता दिया, ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। ये तो रिव्यू का पहला पॉइंट है। मैंने प्रिंसिपल ऑफ क्या पूछा आपसे, प्रिंसिपल ऑफ वैकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक प्रशिक्षण के, व्यवसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, कल हमने बताया था, हाँ बताइए। हाँ आप बताइए। क्या लिखा है उसमें, लिखा आपने प्रिंसिपल, हाँ क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या है, हाँ झुकाव स्थापित, ओरिएंटेशन, ठीक है, और हाँ प्रशंसा, हाँ प्रशंसा और ओरिएंट, ठीक है, ओरिएंटेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन, और कोई पॉइंट, हाँ आप बोल रहे थे कुछ, सेफ वर्किंग हैबिट, चलिए अभी आपने देख के बता दिया, गुड, कोई बात नहीं, बट उसको देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल स्टोर करें, और कोशिश करें कि जो कुछ भी लिखाया गया है क्या वह क्वालिटी आप में है। आगे भी आएगा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेड्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स, तो कल के आप भावी अनुदेशक हैं, तो अपने अंदर क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, अगर नहीं है तो उसको कोशिश करें कि आप उसका विकास करें, ठीक है। तो मेन उद्देश्य यही होता है कि केवल आप ये ना सोचें कि मुझे तो एग्जाम पास कर लेना है, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आएगा 100-200, वो तो पास हो जाएंगे आप, बट कल आप एक टीचर बनेंगे तो क्या ये प्रभावशाली एक सफल अनुदेशक बनना चाहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा और कुछ नहीं। मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन अवश्य होगा, कब होगा, जब आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मेरे अंदर ये योग्यता है जो आज बताया गया है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसका विकास कैसे हो सकता है, क्यों नहीं है और कैसे हो सकता है, यानी क्यों और कैसे का अगर उत्तर आपने प्राप्त कर लिया तो उस योग्यता का विकास आप में स्वतः हो जाएगा, बाय फोर्स नहीं, बाय कंपल्सन नहीं, बाय इम्पोजिशन नहीं, दबाव के द्वारा कुछ नहीं, स्वतः से प्रेरित होकर जब आप करेंगे तभी आप कर सकते हैं। मैं तो रिटायर हो गया, क्या जरूरत है आपके क्लास में आने की, आराम से मैं लेट के सो रखता हूं, बट मेरा एक इंटरेस्ट अंदर से कि अगर मैं कुछ जानता हूं तो कोशिश करूं उसको आपके साथ शेयर करूं, साझा करूं, तो इसलिए मैं आ जाता हूं। तो चले अब हम आते हैं, आज हमारा टॉपिक कुछ है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, जहां मैं टीचर लिखता हूं वो ट्रेनर भी आप समझ लें या इंस्ट्रक्टर भी, तीनों के लिए है, टीचर ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। अब टीचर और ट्रेनर में क्या फर्क है वो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, तो जहां टीचर लिखें तो वो आप अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर ही समझें उसको। तो हमारे अनुदेश में यानी कक्षा में जो शिक्षक पढ़ाता है उस अनुदेश में कल हमने डिस्कस किया था कि जो फोर स्टेप ऑफ टीचिंग है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन और टेस्ट या इवेल्युएशन, प्रत्येक स्टेप में कुछ न कुछ कमियां आई जाती हैं। अब ये स्टेप अगर सही भी है तो भी क्यों कमी आती है, बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द टीचर। तो इंस्ट्रक्शंस की पर्सनालिटी में क्या कमी हो सकती है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर पर्सनालिटी, इम्प्रॉपर पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व सही नहीं है। वॉइस, इम्प्रॉपर पर्सनालिटी में क्या आता है, वॉइस टोन लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर, यानी बोलने का जो तरीका है टोन है, वॉइस जो है आवाज है, और भाषा जो यूज करते हैं वो उचित नहीं है।
वो उचित नहीं है, इसलिए शिक्षक उसको, विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाया और इसलिए अनुदेश में कमी आई। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इज नॉट अंडरस्टूड, इज नॉट अंडरस्टूड बाई ट्रेनीज। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इज नॉट अंडरस्टूड बाई ट्रेनीज, अनुदेशक द्वारा दिया गया अनुदेश विद्यार्थी समझ नहीं सका, अनुदेशक द्वारा दिया गया अनुदेश विद्यार्थी समझने में असमर्थ रहा। तो जो कुछ भी उसने बोला, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द वॉइस, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर टोन या असेंट, जो भी हो सकता है, तो उसके कारण जो भी उसने कहा या जो भी अनुदेश दिया वो उसको समझ नहीं सका, मिटा दे, वह उसको समझ नहीं सका। या तो इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में, या दोनों में आप लिख रहे हैं, तो मैं तो हिंदी बोल रहा हूं, उसको आप सुन सकते हैं। हाँ, इज नॉट अंडरस्टूड बाय द ट्रेनीज, यानी जो कुछ भी अनुदेश अनुदेशक द्वारा दिया गया विद्यार्थी उसको समझ नहीं सका। ठीक है, इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रोसेस एंड टेक्निक improper presentation and technique due to lack of proper personality, improper presentation process and technique due to lack of प्रॉपर पर्सनैलिटी, यानी उचित व्यक्तित्व के कारण, उचित व्यक्तित्व नहीं होने के कारण, या उचित व्यक्तित्व के अभाव में, उचित व्यक्तित्व के अभाव में प्रस्तुतिकरण का तरीका और क्रम उचित नहीं था, उचित व्यक्तित्व के अभाव में प्रस्तुतिकरण का तरीका और क्रम उचित नहीं था, यानी बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, उसे पता है कि प्रोसेस क्या है, सीक्वेंस क्या है, बट बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी ही हैज नॉट फॉलोड दैट। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, एंड कम्युनिकेशन, क्या बात चल नहीं रहा, हाँ हो गया, ट्रेनर is defective, language used by the trainer is defective, यानी अनुदेशक के द्वारा उपयोग की गई भाषा में दोष, अनुदेशक के द्वारा
उपयोग की गई भाषा में दोष है। अब दोष अलग तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसा मैंने बताया वॉइस और भी हो सकता है। प्रॉपर सेंटेंस, अगला पॉइंट आप लिख लें, प्रॉपर सेंटेंस इज नॉट फॉर्म्ड, प्रॉपर सेंटेंस इज नॉट फॉर्म्ड टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स कंटेंट, प्रॉपर सेंटेंस इज नॉट फॉर्म्ड टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स कंटेंट, प्रॉपर सेंटेंस इज नॉट फॉर्म्ड टू क्लैरिफाई, कोई स्पेलिंग जहां ना समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, और हिंदी तो मैं इसकी बताऊंगा ही। प्रॉपर सेंटेंस इज नॉट फॉर्म टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स कंटेंट, यानी जटिल अनुदेश को समझाने के लिए उचित वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया। जटिल अनुदेश को समझाने के लिए उचित वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया, यानी सिंपल सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स कंटेंट्स को बताना, जटिल अनुदेश को बताने के लिए सरल वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। लास्ट आप लिख लें, लैक ऑफ पर्सनालिटी कॉजेस डिसरप्शन, DISRUP, डिसरप्शन यानी बाधा, डिसरप्शन इन लर्निंग, लैक ऑफ पर्सनैलिटी कॉजेज डिसरप्शन इन लर्निंग, लैक ऑफ पर्सनैलिटी कॉजेज डिसरप्शन इन लर्निंग, यानी उचित व्यक्तित्व के अभाव में सीखने में व्यवधान या बाधा आती है, उचित व्यक्तित्व के अभाव में सीखने में बाधा आती है। और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने कुछ आपको बताया, तो उचित हो गया। तो हमने कुछ पॉइंट्स, जैसे इम्प्रॉपर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व में सब कुछ आ जाता है, आपका हैबिट भी है, कैरेक्टर भी है, एटीट्यूड्स भी है, नॉलेज भी है, स्किल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो विद्यार्थी, तो शिक्षक का व्यक्तित्व ही उसके शिक्षण कार्य में एक तरह से सहयोगी होना चाहिए, लेकिन अगर उसका इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज है, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशनल स्किल है, तो इससे विद्यार्थियों का ध्यान भटक जाता है और जो कंटेंट या जो ज्ञान उन्हें प्राप्त करना होता है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लैंग्वेज सही नहीं होती है, सेंटेंस सही नहीं होते हैं, बोलने का तरीका सही नहीं होता है, सीक्वेंस एंड प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण का जो क्रम है या जो प्रक्रिया है जैसा होना चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण कमियां आती हैं। तो अपने व्यक्तित्व में शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे, उसका ध्यान रखते हुए उसे करना चाहिए। चले, तो 5-7 पॉइंट्स हैं, कोशिश करें कि आप स्वयं में भी सुधार करने की कोशिश करें। लैक ऑफ ह्यूमन कंसिडरेशन, लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशन, अगला पॉइंट, लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंधों की कमी। अब मानवीय संबंध बनते कैसे हैं वो, इसके पहले हम आ जाते हैं, सो अनएबल टू असेस, पहले इसमें लिख लें, अनएबल
unable to assess the learning, unable to assess the learning level of learner, unable to assess the learning level of learner. मैं लिखते समय इसलिए बोलता हूं कि आप सुन के भी लिख सकते हैं उसको. तो unable to assess the learning level of learner, यानी विद्यार्थियों को सीखने की जो सीमा है, यानी उसके विद्यार्थियों के सीखने की सीमा, यानी उसकी मानसिक स्तर एक तरह से कह ले, विद्यार्थियों के सीखने की सीमा को जांचने में असमर्थ या पता लगाने में असमर्थ, विद्यार्थियों के सीखने की सीमा या मानसिक स्तर का पता लगाने में असमर्थ. असेस मतलब पता लगाना, असेस का मतलब होता है पता लगाना, निर्धारण करना, पता लगाना या निर्धारण करना, टू असेस. यानी कुछ हम जानना चाहते हैं कि आपका नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, तो हम प्रश्न पूछेंगे प्रश्नों के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं असेस. असेस से ही इवैल्यूएशन आया है कि प्रश्न से पूछ के आप मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, टू असेस. टू दूसरा पॉइंट लिख लें इसमें, अनएबल टू नो, अनएबल टू नो लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर, लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर. अनएबल टू नो लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर, अनएबल टू नो लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर, यानी सीखने में विद्यार्थी को क्या बाधाएं आ रही हैं उसका पता लगाने में असमर्थ. सीखने में विद्यार्थी को आने वाली बाधाओं का, सीखने में विद्यार्थी को आने वाली बाधाओं का पता लगाने में असमर्थ. ठीक है, मिटा दें इसको. चलिए, फेल्योर, फेल्योर ऑफ टीचिंग स्किल, फेल्योर ऑफ टीचिंग स्किल, यानी शिक्षण की दक्षता में कमी, शिक्षण की दक्षता में कमी या असफलता, यानी दक्ष होना चाहिए जो शिक्षण की कला में, वो उसमें नहीं है. फेल्योर ऑफ टीचिंग स्किल, फेल्योर ऑफ टीचिंग स्किल, फेल्योर टू पुट एज एन एग्जाम्पल, to be followed by learner, failure to put an example to be followed by learner. यानी स्वयं को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करने में असमर्थ, स्वयं को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करने में असमर्थ जिसका अनुसरण विद्यार्थी करता, स्वयं को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करने में असमर्थ जिसका अनुसरण विद्यार्थी करता.
फेलियर टू हैव मैनिपुलेटिव स्किल, फेलियर टू हैव मैनिपुलेटिव स्किल, मैनिपुलेटिव स्किल। मैनिपुलेटिव स्किल का मतलब होता है कार्य के अनुरूप ढालना, कार्य के अनुरूप ढालना। यानी शिक्षक को अपने कक्षा की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। फेलियर टू हैव मैनिपुलेटिव स्किल यानी कार्य के अनुरूप कक्षा में स्वयं को ढालने में असमर्थता, कार्य के अनुरूप कक्षा में स्वयं को ढालने में असमर्थता। कि क्या आवश्यकता है ट्रेनीज को, उस आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए, तो वो उसमें असमर्थ है, वो उसको पता नहीं चलता है। मिटा दें इसको। फेलियर टू नो दी, फेलियर टू नो दी कंटेंट अंडरस्टूड बाई ट्रेनीज, फेलियर टू नो द कंटेंट अंडरस्टूड बाई ट्रेनीज, फेलियर टू नो द कंटेंट अंडरस्टूड बाई ट्रेनीज। यानी विद्यार्थी ने कितना अनुदेश सीखा उसका पता लगाने में असमर्थ, विद्यार्थी ने कितना अनुदेश सीखा उसका पता लगाने में असमर्थ। तो जरूरी नहीं कि हम कितना पढ़ा देते हैं, जरूरी यह होता है कि विद्यार्थी कितना सीखता है, वो आवश्यक होता है कि देखना हमें कि विद्यार्थी ने क्या और कितना सीखा, हम कितना पढ़ा सकते हैं वो जरूरी नहीं। फेलियर टू नो द कंटेंट अंडरस्टूड बाय द ट्रेनीज, कितना उसने सीखा वो जानना जरूरी होता है। डेवलप द लेसन डिस्प्रोपोर्शनली, अगला पॉइंट, डेवलप लेसन डिस प्रोपोर्शनली, डिसप्रोपोर्शनली यानी सीखने की शक्ति से ज्यादा, यानी सीखने के अनुपात से ज्यादा पाठ बनाना एक समय में। मैंने बताया था पहले भी, एक समय में एक लिमिटेड मटेरियल देना चाहिए। तो डेवलप लेसन डिसप्रोपोर्शनली, सीखने की क्षमता से ज्यादा शिक्षण सामग्री बनाना, सीखने की क्षमता से ज्यादा शिक्षक सामग्री बनाना। यानी जितना विद्यार्थी सीख सकता है एक कक्षा में उतना ही शिक्षण सामग्री बनाना चाहिए। आगे आप लिख ले, प्रोसीड टू टीच without knowing the understanding of trainees, proceed to teach without knowing the understanding of trainees. Proceed to teach without knowing the understanding of trainees. विद्यार्थियों की समझ का पता लगाए बिना ही शिक्षण को आगे बढ़ाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाए बिना ही शिक्षण को आगे बढ़ाना। मतलब हर पॉइंट्स पर प्रश्न पूछ के
विद्यार्थियों की समझ का कितना समझे क्या नहीं समझे उसका उत्तर देते हुए शिक्षक को आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों की समझ का पता लगाए बिना ही आगे बढ़ना, तो एक लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशन इसे कहते हैं कि ये शिक्षण की एक कमी होती है और इसके कारण अनुदेश में भी कमी आती है। हो गया, मिटा दे, हो गया, चलो अब आगे लिख लें। लैक ऑफ यानी क्या उसके व्यवहार या एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो मेन कमी है लैक ऑफ, वो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। जैसे लैक ऑफ मेंटल अवेयरनेस, ये लैक सब में रहेगा, लैक ऑफ मेंटल अवेयरनेस, मानसिक जागरूकता में कमी, मेंटल अवेयरनेस। लैक ऑफ मैनर, आचरण, उचित आचरण की कमी। अब आचरण क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, उचित आचरण कहां पर कैसे होना चाहिए। लैक ऑफ मेंटल अवेयरनेस, लैक ऑफ मैनर, लैक ऑफ पंचुअलिटी, लैक ऑफ मेमोरी, यानी कुछ याद नहीं रहता या जो पहले बताया वो भूल जाते हैं, तो स्मरण शक्ति में कमी, लैक ऑफ मेमोरीज, स्मरण शक्ति में कमी या लैक ऑफ मेमोरी। लैक ऑफ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्ष और स्वतंत्र भाव से काम करना, निष्पक्षता और अस्पष्टता की कमी। लैक ऑफ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, लैक ऑफ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, लैक ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, उत्साह, ENTHUSIAM, एंथुसियाज्म, उत्साह, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह की कमी होती। तो ये व्यक्ति की कमियां हैं, लैक ऑफ उसके व्यक्तित्व में ये सब, यानी शिक्षक को होना चाहिए मेंटल अवेयरनेस, मानसिक जागरूकता क्लास में बहुत जरूरी है, मैनर एक आचरण, शिक्षक का आचरण एक आदर्श होना चाहिए, पंचुअलिटी समयबद्धता मैंने पहले भी बताया, मेमोरीज यानी जरूरी नहीं कि सब कुछ याद रहे लेकिन जो आवश्यक है उसको याद करने की कोशिश करें, अगर ये कमियां हैं तो इंस्ट्रक्शंस में कमी आएंगी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, अस्पष्टता और निष्पक्षता, ये बहुत जरूरी है क्लास में। और भी बहुत से गुण हैं वो हम आगे आएंगे तो बताएंगे आपको। तो फेयरनेस, एम्बिशन, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा सबके अंदर होना चाहिए कि आपको क्या बनना है क्या करना है, और शिक्षक के अंदर होना चाहिए कि मेरा क्लास किस तरह से अच्छा होगा, यह भी एक महत्वाकांक्षा होती है। एंथुसियाज्म, उत्साह, बिना उत्साह के आप कोई कार्य नहीं कर सकते, अंतर मन से एक उत्साह आए कि मुझे पढ़ाना है, मुझे ये कार्य करना है, इसे कंप्लीट करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो एक उत्साह जब आपके अंदर आएगा तो आपका उत्साह ही आपके लगन मेहनत सबको स्ट्रीम लाइन कर देता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि व्यक्ति अपने अधिकतम क्षमता का केवल 10% ही उपयोग करता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, उस शक्ति को जगाना है। आपने रामायण में देखा होगा ना, जब समुद्र के किनारे सभी बानर बैठे हुए उदास थे कि यार उस पार कौन जाएगा, जामुन जी सबसे पूछ रहे थे कि यार उस पार तक
इस 400 योजन का जो समुद्र है कौन इसको पार करके जाएगा? तो कोई कहता कि मैं तो 200, कोई 300। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने में थोड़ी शंका है, जा सकता हूं। तब उन्होंने कहा था कि भाई हनुमान तुम क्यों शांत बैठे हो, का चुप साध रहे हो बलवाना, तो तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है कि तुम एक बार क्या 1000 बार भी इसको क्रॉस कर सकते हो। तब उन्हें अपने बल का एहसास हुआ। तो इसी तरह आपके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को जगाओ, एंथुसियास्म को जगाओ। चलो अब हम आते हैं, ये तो डिफेक्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हो गया, अब कुछ इंस्ट्रक्टर से संबंधित उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसका दायित्व तो क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ट्रेड्स क्या होता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपको आएंगे, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है, लेकिन एज ए टीचर क्या स्पेसिफिक विशेषता होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वालिटी, कुछ गुण होने चाहिए आपके अंदर, क्या गुण हैं। देखिए सब है, कंफ्यूज मत करिए, सभी वर्ड्स आएंगे आपको, बार बार आएंगे। तो एक विशेषता आपके व्यक्तित्व की, कार्य की, आपके चरित्र की एक विशेषता होती है, सबकी कुछ न कुछ विशेषता, और सब में कुछ न कुछ गुण होता है। तो एक टीचर में क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटी। इसके बाद रिक्विजिट, रिक्विजिट का मतलब सिलेबस में है आपके रिक्विजिट, तो रिक्विजिट का मतलब होता अपेक्षाएं, क्या आपसे अपेक्षा है। समाज, संस्थान या आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उस अपेक्षाओं पर आप खरा उतरते हैं। उसी तरह से शिक्षक की भी कुछ अपेक्षाएं हैं, टू बिकम ए टीचर कुछ अपेक्षाओं की पूर्ति आपको करना होता है। इसी तरह से होता है प्री रिक्विजिट, पूर्व अपेक्षा, यानी पूर्व में अपेक्षाएं, पहले से ही आप अपेक्षा कर लिया जाए, पहले से ही किसी चीज की अपेक्षा कर लिया जाए कि अगर ये होगा तो ऐसा होगा। कहते हैं ना कि इस मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन में कहते हैं कि भगवान अगर मुझे 1,00,000 रुपया मिल गया तो मैं 1 किलो प्रसाद आपको चढ़ा दूंगा। मिले या नहीं मिले, बट ये पूर्व अपेक्षा है कि पहले से आप प्रॉमिस कर लेते हैं अगर ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा, ठीक है ना। तो वो है, एक कहावत भी है ना कि वो एक पार्क में हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे और दोनों आपस में परिचर्चा कर रहे थे कि भाई बच्चे को वो बोला मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो वाइफ बोले नहीं मैं तो इसे इंजीनियर बनाऊंगी, और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया कि नहीं वो इंजीनियर बनेगा, वो बोल रही है डॉक्टर बनेगा। तो दो चार लोग पार्क में घूम रहे थे, आवाज तेज हुई तो आ गए, तो बोले भाई बच्चे से तो पूछ लो कि वो डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर बनना चाहता है। तो दोनों ने कहा बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो पूर्वपेक्षा, ये पूर्वपेक्षा है, तो ये पूर्वपेक्षा है प्री रिक्विजिट, पहले से सोच लेना क्या होना है, क्या क्या आपसे अपेक्षा की जाती है। चले इस मिटा दें इसको। रोल, रोल यानी भूमिका, किस भूमिका आप पिक्चर में देखते हैं कि वो कभी डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, कभी डाकू बनता है, कभी चोर बनता है, तो क्या किस भूमिका, तो टीचर की भी एक भूमिका है। तो आप किस भूमिका में रहना पसंद करेंगे, वो जो मैंने 4 अभी बताया उसमें से किस भूमिका में आप रहेंगे, तो आप डिसाइड कर लो कि किस भूमिका में है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व, जिम्मेदारी, आपका क्या दायित्व है, एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है समाज में, एक नागरिक का क्या दायित्व है, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। इसलिए रोल किस भूमिका में है और उस भूमिका का दायित्व क्या है, जनरली दोनों एक ही साथ हम यूज करते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन, बट रोल एक भूमिका है, उस भूमिका यानी आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं वो आपका रोल है। अब उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, एक शिक्षक का क्या दायित्व है, एक डॉक्टर का क्या दायित्व है, एक इंजीनियर का, एक व्यापारी का, या जो भी रोल है, उस प्रत्येक रोल का एक दायित्व होता है, तो उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये फर्क होता है। देन समटाइम फंक्शन, कार्य, ये तो सिंपल है, सब लोग जानते हैं, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क है। मैंने कह दिया, आपने कर दिया, वो फंक्शन हो गया। यानी शिक्षक के कुछ कार्य होते हैं कि कक्षा में 2 घंटे पढ़ाना है या 1 घंटे पढ़ाना है, वो तो उसका कार्य हो गया, लेकिन उस कार्य को क्या वो अपनी विशेषता के अनुरूप यानी जैसा होना चाहिए वैसा पढ़ाता है, या सिंपली कह दिया कि भाई मुझे क्लास लेना है, चलो यार ले लेता हूं, 1 घंटा पास करना है क्लास में, पास कर दिया, ये तो फंक्शन हो गया। बट अग्नि अपने अपेक्षाएं जो उससे होती हैं, उस अपेक्षा पर वो खरा उतरता है, उस कार्य को सुचारू रूप से करता है, तो उसकी विशेषता हो जाती है। फंक्शन और विशेषता में ये फर्क है, यानी फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शन तो कार्य है, करना है, और उसी के साथ जब आप एक सुचारू रूप से करते हैं तो यानी अपने जो गुणों का उसमें आप समावेश करते हैं तो वो कार्य अच्छी तरह होता है, समापन अच्छी तरह से होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरली आता है बातचीत में भी, आप बोलेंगे रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शंस हैं, क्वालिटीज हैं, रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ रह गया, क्वालिटी तो गुणवत्ता हो गई, वो क्वालिटी गुण मैंने बताया ही, गुण से गुणवत्ता होता है, क्वालिटी मैंने बता दिया, और कुछ नहीं, एक चीज और छूट गया जिसे हम कहते हैं ट्रेट, विलक्षणता, या जिसे हम कहते हैं प्रतिभा, कुछ विशेष प्रतिभा, ट्रेट्स, जो कार्य आप करते हैं विशेषता के साथ आप करें, उस कार्य की जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड्स, अक्यूरेसी, वर्कमैनशिप होना चाहिए, उसका अधिकतम स्तर आप हमेशा बिना किसी गलती के करते हैं तो वो ट्रेट्स हो जाता है। सभी लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो कार्य है, करते ही हैं, बिना गलती के भी अगर आप टाइप कर लेते हैं तो आपकी विशेषता हो जाएगी, लेकिन 40 वर्ड्स इन ए मिनट विदाउट मिस्टेक एंड विदाउट सीइंग द कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड के देखे हुए 40 वर्ड प्रति मिनट बिना किसी गलती के हमेशा आप करें उस कार्य को, जब भी करना हो हमेशा करें, तो वो ट्रेड्स बन जाता है। उसी कार्य को लगातार उसी स्तर तक आप बिना किसी गलती के करते रहें, उतने ही समय में, मतलब कम से कम समय में करते रहें, तो वो आपका ट्रेड्स हो जाता है। तो ट्रेड्स तो एक समय के साथ होता है, एक दिन में नहीं होगा। जब उसी कार्य को आप बार बार करते हैं, आप देखें, आप ट्रेन में जाते हैं, टीटी आता है, अगर वो काली कोट नहीं भी पहने हो लेकिन जब वो बोलेगा, बातचीत करेगा आपसे, तो आप समझ जाओगे अरे टीटी है। एक ट्रक ड्राइवर है, उसकी भाषा देखिए, तो ये उनके ट्रेड्स हो जाते हैं, विशेषता है, बट उसी कार्य को जो बार बार 10 साल 20 साल करते हैं तो उनका ट्रेड्स बन जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए पहले बता दिया, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, क्वालिटी डिस्कस करेंगे, रिक्विजिट डिस्कस करेंगे, प्री रिक्विजिट, मैं शॉर्ट में थोड़ा इसको बताऊंगा, ये सब मैं आज सोच रहा था खत्म कर दें, बस देखते हैं कितना खत्म हो सकता है, क्योंकि जितना आप आराम से सीख सकते हैं उबेंगे नहीं उतना हम करेंगे। तो
चले तो हम आज शुरू करते हैं पहले से क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर से। क्वालिटी यानी गुण क्या होने चाहिए और एक क्वालिटी के साथ उसके रिक्विजिट भी जुड़े हैं, यानी रिक्विजिट ऑफ यानी जो अपेक्षाएं एक अनुदेशक से होती हैं, गुण के साथ साथ उसकी एक अच्छा अनुदेशक बनने के लिए क्या अपेक्षाएं हैं उससे, वो अपेक्षाएं भी इसमें हम कह सकते हैं कि क्वालिटीज उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो एक इंस्ट्रक्टर एक अच्छा अनुदेशक तो होना ही चाहिए, एक अनुदेशक एक अच्छा क्राफ्ट्समैन, कुशल क्राफ्टमैन जरूर हो। इंस्ट्रक्टर मस्ट बी ए स्किल्ड क्राफ्टमैन, तभी वो थियरी और प्रैक्टिकल्स को अच्छी तरह से एक कक्षा में बता सकता है। एक अच्छा क्राफ्ट्समैन क्या कौन होगा, जो अपने मशीन मटेरियल और मेथड की अच्छी जानकारी रखता है। ए गुड क्राफ्टमैन यानी ए गुड इंस्ट्रक्टर मस्ट बी ए गुड क्राफ्टमैन, एक अच्छा अनुदेशक एक अच्छा शिल्पकार भी होना चाहिए। यानी गुड इंस्ट्रक्टर मस्ट बी ए गुड क्राफ्ट्समैन, एक अच्छा अनुदेशक एक अच्छा शिल्पकार होना चाहिए। और एक अच्छा शिल्पकार कब आप उसे कहेंगे, जब आप अपने मेथड मटेरियल्स और मशीन्स की अच्छी जानकारी रखे। यानी अपार्ट फॉर हैविंग द नॉलेज ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मशीन, उसको मशीन और उस चलाने का मशीन को चलाने का क्रम अच्छी तरह पता हो, ये उसकी कॉम्पिटेंसी होती हो जाती है। ठीक है, ये उसकी कॉम्पिटेंसी है, ये उसकी प्रवीणता है। इस प्रवीणता के साथ साथ वो मशीन मेथड मीडिया माध्यम, सो मशीन मेथड और मीडिया की एक कॉम्पिटेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये सब उसे पता है तो वो ट्रेड का एक कॉम्पिटेंट हो जाता है। बट इसके साथ साथ ही शुड हैव इमेंस डिजायर टू डेवलप एज ए टीचर, प्रोफेशनली डिजायर टू डेवलप एज ए टीचर, एक टीचर की तरह उसमें हो कि वो टीचर की तरह एक विकास करने के लिए ये आवश्यक है। ही शुड हैव इमेंस डिजायर टू डेवलप एज ए टीचर। तो एज ए टीचर डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है कि टीचर से जो संबंधित मेथड है, ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। जो मेथड है, ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी है, उन सबको वो प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इस कोशिश में आप देखें वोकेशनल एजुकेशन में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है और दोनों टीचर को ही पढ़ाना होता है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण एजुकेशनल ट्रेनिंग से या शिक्षण के कार्य से अलग होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर इज मोर देन द टीचर ऑफ ए स्कूल और द लेक्चरर ऑफ ए कॉलेज। जो एक कॉलेज में लेक्चरर होता है या किसी विद्यालय में शिक्षक होता है, उनसे ज्यादा आवश्यकता होती है एक अनुदेशक के लिए। तो इस अनुदेशक के लिए जो आवश्यकता होती है, जो गुण होता है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स जो उसे एक अनुदेशक बनने की चाहिए, पहला होता है इसेंशियल क्वालिटीज, इसेंशियल क्वालिटीज, क्वालिटीज यानी गुण, या यहां हम रिक्विजिट भी कह सकते हैं कि एक उसी अपेक्षाएं हैं, इसेंशियल अपेक्षाएं भी कह सकते हैं आप। तो कहीं कहीं आप देखेंगे एग्जाम में या कहीं भी रिक्विजिट भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत करिएगा कि क्वालिटी की जगह रिक्विजिट क्यों आ गया। तो इसेंशियल क्वालिटीज और एडिशन डिजायरेबल क्वालिटीज, इसेंशियल क्वालिटीज एंड डिजायरेबल क्वालिटीज,
दो तरह का, या इसेंशियल रिक्विजिट और डिजायरेबल रिक्विजिट। तो इसेंशियल रिक्विजिट क्या हो सकता है, इसमें मैं ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, बस हम डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ पॉइंट्स मैं लिख दूंगा केवल, जिससे कि आप खुद अपना सेंटेंस उससे बना लेंगे। तो इसेंशियल क्वांटिटी एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मतलब इसेंशियल के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, पहला मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल जो भी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल जो मिनिमम होती है, तो हाई स्कूल इंटर जो भी शैक्षणिक मिनिमम योग्यता अनुदेशक बनने के लिए वो दिया रहता है हर जगह है। दूसरा है वैकेशनल ट्रेनिंग, तो अपने व्यवसाय का वैकेशनल ट्रेनिंग, यानी जिस व्यवसाय में वो अनुदेशक बनना चाहता है उस व्यवसाय का ट्रेनिंग होना चाहिए। तीसरा है एडवांस स्किल, एडवांस स्किल कंडक्टेड बाय डीजीटी, डीजीटी के द्वारा भी कुछ स्किल कंडक्ट किया जाता है, यानी कंडक्टेड बाय डीजीटी। तो डीजीटी के द्वारा, डीजीटी के जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो स्किल्स चलते हैं उसका होना चाहिए। और चौथा है CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, जो अभी आप कर रहे हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जो अभी आप कर रहे हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। और पांचवा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेड, ये इसेंशियल रिक्विजिट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है टू बिकम ए इंस्ट्रक्टर, एक अनुदेशक बनने के लिए ये पांच चीजें जरूरी हैं, तभी आप अनुदेशक बन सकते हैं। आप देखिए अनुदेशक के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी आता है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी हाई स्कूल इंटर क्या होना चाहिए, हर ट्रेड्स के लिए वो लिखा है। दूसरा आप ट्रेड्स का एक CITS सर्टिफिकेट यानी वैकेशनल क्वालिफिकेशन, CITS सर्टिफिकेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, तो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनुदेशक के लिए क्या होना चाहिए वो हर ट्रेड के लिए लिखा रहता है। इसके बाद जो भी अनुदेशक बनना चाहता है ही मस्ट हैव अंडरगॉन द वैकेशनल ट्रेनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड टू बिकम ए इंस्ट्रक्टर। तो अनुदेशक बनने के लिए ITI में आपको उस ट्रेड का एक वर्ष या दो वर्ष का जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है उसे करना होता है और उसमें सफल होना होता है, यानी सर्टिफिकेट आपको मिले, आप टेस्ट दें और उसमें सफल हो। और DGT के द्वारा, जैसे ये NSTIs हैं ऑल ओवर इंडिया, NSTI में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज 6 महीने, साल भर, 1 महीना, 2 महीने के अलग अलग एडवांस स्किल के कोर्सेज भी चलते रहते हैं, उसमें आप भाग लेके आप उसकी सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे तो एज एक्सपीरियंस भी वो काउंट होता है। या जैसे आपने ITI के बाद अप्रेंटिस कर लिया 1 साल का, तो द अप्रेंटिस इज ऑल्सो काउंटेड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के तरह से वो काउंट हो जाता है, तो एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसके बाद आपका CITS कोर्स, बिकॉज ट्रेनिंग इज टीचिंग इज नॉट ओनली ए आर्ट बट ऑल्सो ए स्किल, शिक्षण का केवल एक कला नहीं है बल्कि एक दक्षता भी होनी चाहिए। और
आप देखते हैं वैकेशनल एजुकेशन में स्किल और नॉलेज कैसे मिलता है, बाय टीचिंग। वैकेशनल एजुकेशन में शिक्षण के द्वारा ही नॉलेज और ज्ञान प्राप्त होता है। अतः जो इंस्ट्रक्टर बनता है उसके अंदर ज्ञान और क्षमता यानी नॉलेज और स्किल को इम्पार्ट करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, यानी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम फुलफिल दिस एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग। आपको ट्रेड का भी नॉलेज, ट्रेड का भी एडवांस नॉलेज दिया जाता है और साथ में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से प्रश्न पूछना है, ये सब संभावनाओं को भी इसमें समाहित किया जाता है कि जिससे आप स्किल बन सकें। अब स्किल वोकेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षण में स्किल बहुत जरूरी है। स्किल हैज टू बी इम्पार्टेड बाय द टीचर या ट्रेनर। सो इंस्ट्रक्टर हैज टू इम्पार्ट द स्किल। इंस्ट्रक्टर को कक्षा में या वर्कशॉप में किसी भी कार्य को प्रदर्शन करके दिखाना होता है तो उसे आना चाहिए, अपने व्यवसाय का जो स्किल होता है वो उसको आना चाहिए कि किस तरह से आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और कैसे है। तो ए गुड क्राफ्टमैन मस्ट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेड। तो एक अच्छा अनुदेशक बनने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो इसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने से इसको डेवलप कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं हर पॉइंट्स पे लिखाऊं तो टाइम का वेस्टेज है, क्यों, आप बता सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें चलें आगे, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। सॉरी, वही मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। क्वालिटी यार, इसे आप रिक्विजिट भी कह सकते हैं, इसलिए मैं यहां रिक्विजिट भी लिख दे रहा हूं। अपेक्षाएं या गुण, एक अनुदेशक से जो डिजायरेबल है, वांछनीय, एक इसेंशियल आवश्यक वो है कि बिना उस क्वालिफिकेशन के वो इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता है। तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो मैंने 5 बताया आपको वो जरूरी है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर बन जाने के बाद एज ए सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव, टू बिकम ए सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव, एक सफल और प्रभावशाली अनुदेशक बनने के लिए कुछ वांछनीय अपेक्षाएं भी होती हैं आपसे, जिसे अगर आप पूरा करेंगे तो आप गवर्नमेंट में इंस्ट्रक्टर बन गए तो फिर तो कोई नहीं निकालेगा, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। कहते हैं ना कि अगर काम ही करना होता तो हम गवर्नमेंट में क्यों आते, फिर प्राइवेट में काम करते। एक मानसिकता बन गई है कि जो भी शिक्षक हो गया, जो भी अनुदेशक हो गया, फिर अपना क्लास सुचारू रूप से नहीं करता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हम भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे अनुदेशक बनने के बाद कि हमें भी क्या करना है अब। लेकिन ठीक है, ये आपकी सोच है, अपनी समझ है। आप एक अच्छा अनुदेशक बनना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें। लेकिन अगर अनुदेशक इसेंशियल क्वालिटीज आपके पास हैं, अनुदेशक में आप पास हो गए, अच्छी बात है। लेकिन एक प्रभावशाली और सफल अनुदेशक बनने के लिए कुछ चीज़ें या कुछ आवश्यक गुण आप में होने चाहिए, वो कुछ गुण हम डिस्कस करेंगे। तो पहला उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। भाषा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। सो इंस्ट्रक्टर को क्या जानना चाहिए,
द नॉलेज ऑफ इज द इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शनल यानी अनुदेशनात्मक. अनुदेशनात्मक भाषा का ज्ञान हो. मस्ट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज. अनुदेश की भाषा एक तकनीक की भाषा होती है जो टेक्निकल क्लास में बताया जाता है जब आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जाता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है. तो एक तकनीक की भाषा अवश्य ही उसे जानना चाहिए. टेक्निकल नॉलेज उसके अंदर एंड टेक्निक्स. दूसरा है टेक्निक्स एंड टर्मिनोलॉजी. टेक्निक्स यानी तरीका, टर्मिनोलॉजी यानी तकनीकी शब्द. टेक्निक्स एंड टर्मिनोलॉजी मस्ट बी एक्सप्लेन इन सिंपल एंड प्रॉपर. सिंपल एंड प्रॉपर लैंग्वेज. तो टेक्निक्स एंड टर्मिनोलॉजी तकनीक और तरीका और तकनीकी शब्द. तरीका और तकनीकी शब्द को उचित और सरल भाषा में बताना चाहिए. ये अनुदेशक का एक गुण है. ये होना चाहिए उसके अंदर कि वो जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको वो उचित भाषा में और अच्छी तरह बताए. ठीक है. हाँ हाँ जी. टर्मिनोलॉजी तकनीकी शब्द सिंपल एंड प्रॉपर. सिंपल एंड प्रॉपर लैंग्वेज मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट इसको आप कंप्लीट कर लेंगे. सिंपल एंड प्रॉपर, सरल और उचित. सरल और उचित शब्दों में उसको बताए. अब आपके पास अगर कुछ एडिशनल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज, भारत में ही देखिए कितने 18 तो हमारे संविधान में स्वीकृत भाषा हैं. सॉरी अभी 22 हो गए. सॉरी 22 भाषाएं हमारे संविधान में ही स्वीकृत हैं. और वैसे अस्वीकृत कितनी भाषाएं हैं, हर 200 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है. तो अगर आपको कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज का ज्ञान है, जरूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है, बट वो डिजायरेबल होगा. अगर है तो अच्छी बात है, है तो अच्छी बात है. और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शंस है उसको हिंदी में बनाना है, या हिंदी में कोई इंस्ट्रक्शंस है तो उसको इंग्लिश में बनाना है. नहीं, इंटरप्रिटेशन, इसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अदर लैंग्वेज. को मैं लिख देता हूं इंटरप्रिटेशन. Should be proper and precise. Precise का मतलब होता है संक्षिप्त. संक्षिप्त ये प है, स नहीं, संक्षिप्त. प्रिसाइज का मतलब संक्षिप्त और प्रॉपर का मतलब उचित. यानी अगर दूसरी भाषा में कोई संदेश है उसका रूपांतरण करना है तो वो संक्षिप्त और उचित भाषा में हो. दूसरी भाषा में उपलब्ध सूचना का, दूसरी भाषा में उपलब्ध सूचना का
उचित और संक्षिप्त शब्दों में रूपांतरण, इंटरप्रिटेशन से हम कहते हैं इंटरप्रेट करना। तो ये लैंग्वेज जरूरी है कि एक अनुदेश की जो भाषा होती है वो अनुदेशक को आना चाहिए, और जो भी ट्रेंड्स, टेक्निक्स, टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं उसको आप सरल, संक्षिप्त और समझने योग्य भाषा में विद्यार्थियों को बताएं। एक से ज़्यादा लैंग्वेज आप जानते हैं, इट इज़ वेल एंड गुड, इसेंशियल नहीं है, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर कोई आप इंटरप्रिटेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, तो वो एक उचित हो, सरल हो, ये जरूरी है। लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें है ड्रेस। दूसरा आपका है ड्रेस एंड अपीयरेंस। ड्रेस एंड अपीयरेंस, ड्रेस शुड बी सिंपल बट नीट एंड क्लीन। सरल, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। ये जरूरी है शिक्षक के लिए कि उसका जो ड्रेस हो वो अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज अट्रैक्टिव ड्रेस डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ट्रेनीज। अट्रैक्टिव ड्रेस डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ट्रेनी। Distract the attention of trainees. आकर्षक परिधान विद्यार्थियों के ध्यान को भटकाता है। Attractive यानी आकर्षक ड्रेस परिधान distract, distract, distract यानी भटकाना, attention ध्यान, भटकाना अट्रैक्टिव ड्रेस डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ट्रेनी। तो कोशिश करें कि अट्रैक्टिव ड्रेस नहीं रहे बट ये रहे सरल, स्वच्छ और सुव्यवस्थित परिधान। क्या करता है ये सरल, स्वच्छ और सुव्यवस्थित परिधान? इट इज द इन ट्यून विद द प्रोफेशन। आपका जो व्यवसाय यानी जो शिक्षक का व्यवसाय है ट्यून विद द प्रोफेशन। ट्यून विद द प्रोफेशन एंड रिफ्लेक्ट द इंप्रेसिवनेस ऑफ पर्सनालिटी। इन ट्यून विद द प्रोफेशन यानी जो आपका व्यवसाय है उसके अनुसार आपका परिधान है, और इससे क्या होता है रिफ्लेक्ट द इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व, इम्प्रेसिव यानी उत्कृष्ट, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। उत्कृष्ट व्यक्तित्व को यह प्रदर्शित करता है। तो ये ड्रेस और इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ड्रेस सिंपल हो, सरल हो, स्वच्छ हो। अगर आप अट्रैक्टिव ड्रेस पहनेंगे तो विद्यार्थियों का ध्यान भटक जाता है, तो ध्यान न भटके इसीलिए। और एक सिंपल ड्रेस जो होता है वो हमारे व्यवसाय के अनुरूप होता है, और इससे एक उत्कृष्ट
व्यक्तित्व का भी बोध होता है। चले तीसरा पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रेड। व्यवसाय में प्रवीणता या दक्षता। अब आप कहेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो मैंने बताया था कि भाई आप एक वैकेशनल या सीटीएस का कोई कोर्स करके पास करें और सर्टिफिकेट उसमें प्राप्त कर लें, तभी तो आप एक इंस्ट्रक्टर बन गए। अब तो आप इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, सीटीएस की सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो इसकी क्या जरूरत है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रेड। बट यहां हम यह डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द ट्रेड। जो आपको प्रमाण मिलता है वो तो बता देता है कि ठीक है आप इसमें पास कर लिए हैं, लेकिन क्या उस व्यवसाय का आपके पास दक्षता भी है, प्रवीणता है, कॉम्पिटेंसी है, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं या केवल आपने पास कर लिया है। तो अब आप एक अनुदेशक बन गए हैं, तो यह जरूरी है कि जहां उस पढ़ते समय कमियां रही हो उसे दूर करें। अभी आरपीएल में यहां आए थे, ये भी थे हमारे साथ, हम यहां पर इंस्ट्रक्टर्स बने थे, तो उनमें क्या कमियां थी। अब एज ए अनुदेशक वो गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर्स हैं यही उत्तराखंड में, अब हम उनका नाम बनी बताएंगे या क्या कमियां थी, बट उसमें बहुत कमियां थी, जो अपेक्षाएं एक अनुदेशक से होती हैं उनमें नहीं थी, जबकि सभी क्वालिफाइड हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर्स बन चुके हैं। तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनने के या गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, एक अनुदेशक बनने के बाद उस ट्रेड का क्या आपके पास प्रभावी ज्ञान है, दक्षता है, प्रवीणता है, यानी कॉम्पिटेंसी है, स्किल है, नहीं है तो उसे प्राप्त करिए, नहीं अगर है तो उसे आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अप टू डेट नॉलेज ऑफ योर ट्रेड, अपने व्यवसाय में आज के सापेक्ष, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, हर व्यवसाय में कुछ कुछ नए विकास होते हैं, नए डेवलपमेंट्स होते हैं, तो परिवर्तन तो स्वयंभावी है, आता ही रहेगा, तो आपके व्यवसाय में जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे दो फायदा होता है, एक तो आपका व्यक्तिगत दक्षता और कुशलता का विकास होता है, और दूसरा विद्यार्थियों पर एक उचित प्रभाव पड़ता है। जब आप क्लास में जाते हैं कि भाई ये नया डेवलपमेंट्स, नई चीज़ कुछ बताते हैं, तो विद्यार्थियों में एक, तो अप टू डेट होने से क्या फायदा होता है, आपका अपना भी ज्ञान और दक्षता का स्तर बढ़ जाता है, और साथ में विद्यार्थियों के ऊपर भी शिक्षण कार्य जब आप करते हैं तो कुछ नई चीज़ बताते हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं। तो आपके ट्रेड्स में जो नई टेक्निक्स है, जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जो एडवांस मशीनें, जैसे आप अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी देखिए ऑटोमेशन आ गया है, पीएलसी भी एक तरह से इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, या इवन जो वॉशिंग मशीन से देखिए उसमें कितने नए डेवलपमेंट्स आ गए हैं, शायद आपको भी नहीं पता हो बहुत से डेवलपमेंट्स। तो जो नए डेवलपमेंट्स हैं उस नए डेवलपमेंट्स को जब आप कोशिश करेंगे, अपने को रिन्यू करने की कोशिश करेंगे, तो अवश्य ही सीखेंगे। आजकल इतने नेट है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो हर संभव माध्यम से अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी ज्ञान है और स्किल है, दक्षता है, उसको आप हमेशा परिष्कृत और परमार्जित करने की कोशिश करें, यानी विकास करने की कोशिश करें, तो आप आज के परिवेश में आज के अनुसार बने रहेंगे। तो ये स्किल जरूरी है। चले चौथा पॉइंट्स, सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड्स, सामाजिक दायित्व भी, सामाजिक
अपेक्षाएं भी होती हैं। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग एक उदार काम है, एंड टीचर इज रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, यानी शिक्षण का कार्य एक उदार कार्य है, उत्तम कार्य है। शिक्षण का कार्य एक उत्तम कार्य है और शिक्षक हर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। शिक्षक हर समाज में सम्मान प्राप्त करता है, ठीक है। तो अब व्यवसायिक प्रशिक्षण का जो अनुदेशक है, वह अपने वह सोचे कम से कम कि मेरा उसका दायित्व तो केवल उस ट्रेड का दक्षता या ज्ञान ही प्रदान नहीं करना है विद्यार्थियों को। ज्ञान और दक्षता तो आपकी ड्यूटी है, वी आर बाउंड टू डू। ज्ञान और दक्षता के साथ साथ वह इस प्रकार का शिक्षण दे जिससे वह एक जिम्मेदार नागरिक बने। ही शुड बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री अपार्ट फ्रॉम गेनिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द ट्रेड। वो एक नागरिक बने, तो शिक्षक के अंदर जो उसका सोशल और मॉरल जिम्मेदारियां हैं उसको भी वो पूर्ति करे। सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट फुलफिल। सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है शिक्षक की समाज के प्रति, और विद्यार्थियों में एक नैतिकता का भाव उत्पन्न करें कि ईमानदार रहो भाई, बड़ों का सम्मान करो, समय पर आओ। तो कुछ नैतिकता के गुण होते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, बट क्या हम नैतिकता का पालन करते हैं? जैसे ऑनेस्ट का ही होता है, क्या हम रियली ऑनेस्ट हैं? आर सीम्स टू बी ऑनेस्ट, यानी हम ईमानदार वास्तव में हैं या दिखावा करते हैं। वेरी गुड, या ईमानदारी का दिखावा करते हैं। तो वो आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है कि क्या वास्तव में आप ईमानदार हैं या ईमानदारी का दिखावा करते हैं। तो वो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देता है कि ईमानदारी क्या होती है, समाज में कैसे रहना है, और उसका सोशल तो मैंने बता ही दिया, सोशल उसमें क्या होना चाहिए। चले आगे। सॉरी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ये है। शिक्षक का दायित्व तो है दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, इस पर मैं किसी दिन आपको डिस्कस करूंगा। मॉरल और इथिक्स में बहुत डिफरेंस है। जैसे इसी बात पर मुझे एक याद आ गई, एक यू कैन विन शिव खेरा की एक किताब है, उस बुक में मॉरल एंड इथिक्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और उसमें एक वो था, मैं उस पर आऊँगा किसी दिन डिटेल्स में, अभी मैं इसको बताऊँगा आपको। उसमें एक चीज़ बताया गया है कि एक डॉक्टर होता है और अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा होता है, घर में उसके मेहमान आए हुए हैं और बर्थडे चल रहा है, अच्छी पार्टी चल रही है। उसी बीच उसको हॉस्पिटल से फोन आता है कि सर एक मरीज आया है और ऐसे ऐसी उसकी हालत है, और वही उसका स्पेशलिस्ट है और उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में है। अब मॉरल एंड इथिक्स, क्या उसे करना चाहिए? पार्टी छोड़ के वहां जाना चाहिए? उसकी एक ही बेटी है, इसने प्यार से उसने उसका बर्थडे मनाया, गेस्ट को बुलाया है, सब गेस्ट घर पे हैं, तो वहाँ जाना है। तो ये मॉरल एंड इथिक्स, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व होता है कुछ, बट समाज के प्रति भी हो रहा है। तो इथिक्स तो यही कहता है कि उसे जाना चाहिए, बट वो मॉरली सोच सकता है कि नहीं मैं यहाँ रहूँ। तो इथिक्स और मॉरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इथिक्स वो होता है जैसे
जैसे इथिक्स और मॉरल में होता है विनिंग एंड विनर्स। अब इन्होंने कह दिया तो थोड़ा सा दो मिनट के लिए मैं समय लूंगा, विनिंग फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, विनिंग एंड विनर्स, यानी जीतना, हम जीतना चाहते हैं या हारने से बचना चाहते हैं, दोनों एक ही चीज है, हारेंगे नहीं तो जीतेंगे ही, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड है कि नहीं हमें हारना नहीं है, और आपका एटीट्यूड है कि नहीं हमें जीतना है। तो मॉरल्स जो हमारी नैतिकता होती है, नैतिकता इज वेल डिफाइंड कि हम ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जहां हमारी जरूरतें होती हैं वह हमारे ईमानदारी को विचलित कर सकती हैं, बहुत आवश्यकताएं जो विचलित कर देती हैं। तो मॉरल तो कहता है कि आप ईमानदार रहिए, लेकिन हमारे इथिक्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, कहीं कहीं पर आप कुछ बेईमानी भी कर सकते हो। तो मॉरल एंड इथिक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, इथिक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो सकता है, बट मॉरल विल नॉट चेंज, मॉरल रिमेन एज ए स्टैंडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ऑनेस्टी इज द यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन सीन्स टू बी ऑनेस्ट वो इथिक्स आपका हो सकता है कि मैं क्यों, मैं एक ईमानदार व्यक्ति था लेकिन मुझे ये जरूरत थी, बच्चे का एडमिशन कराना था, 4 लाख रुपया 6 लाख रुपया डॉक्टर बनाने के लिए चाहिए, मैं कहाँ से लाता, इसलिए मैंने ये चोरियाँ किया, तो उसको जस्टिफाई कर सकता है कि भाई मैंने इसलिए किया, मेरी ज़रूरत थी, तो वो इथिक्स हो जाता है, उसको जस्टिफाई करता है, हालांकि वो सही नहीं है बट उसको जस्टिफाई करता है। तो ये मॉरल्स, मॉरल जैसे है आप पंचुअल हैं, समय पर आते हैं, इथिक्स कहता है कि मैं 10 मिनट अगर लेट हो गया तो क्या हुआ, मैं अपना 10 मिनट लेट तक काम कर लूँगा, ये इथिक्स होता है। तो मॉरल इज ए वेल डिफाइंड रूल, एक सेट रूल है, इथिक्स जो है उसमें जो डेविएशन होता है अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार या अपने परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार, समाज में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, परिवार के लिए करना पड़ता है, हम ईमानदार हैं लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं हम अपनी ईमानदारी से थोड़ा हट जाते हैं, कुछ समय के लिए हट जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो जितने समय के लिए आप हटते हैं उसको आप जस्टिफाई करते हैं कि मैंने इस कारण से ईमानदारी से मैं हटा, वो इथिक्स हो गया। लेकिन पुनः जब अपनी ईमानदारी पर आप आ जाते हैं तो आपका मॉरल हो जाता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। हाँ वो ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा या पांचवा जो भी है, पांचवा पॉइंट है डिजायर टू टीच। हाँ जी, मैंने अभी बताया था ना कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल बताया है ना, तीसरा, हाँ हाँ ठीक है, वो आपका इसमें था, वो पहला है नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, दूसरा है ड्रेस, तीसरा है कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रेड, चौथा है सोशल, और पांचवा है, पांचवा भी जो बताऊंगा मैं आपको, डिजायर टू टीच। ये बहुत जरूरी है शिक्षक के लिए, डिजायर टू, क्या आप में एक लगन, एक अंदर से एक उत्साह आता है कि मैं पढ़ाऊं, मैं जा रहा हूं क्लास में पढ़ाना, एक अंतर मन से उत्साहित हैं कि आप पढ़ाना है, या सिंपली जाके बस क्लास में एक घंटा आधा घंटा कर देते हैं, और आज के परिवेश में आईटीआई में या दूसरे जगहों पर, खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट पार्ट, बट शिक्षक क्या अपने दायित्व की पूर्ति करता है, वो पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, ठीक है वो अलग बात है, बट जैसा मैंने कहा था कि यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो आइडियल कंडीशन, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है वो आपको पता है, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए। तो टीचर का जो, टीचर इज ए इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल फैक्टर फॉर द ट्रेनीज, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल,
इंस्पायरिंग माने उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक, यानी उत्साह बढ़ाने वाला और प्रेरणा बढ़ाने वाला। तो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। ये कैसे होगा? व्हेन ही इज हैविंग द इमेंस डिजायर टू टीच, इमेंस डिजायर टू टीच, इमेंस डिजायर टू टीच, मतलब अंतर मन से एक उसके लगन हो कि नहीं मुझे पढ़ाना है, मुझे कुछ बताना है। तो जब भी समय मिले आपको एक अपना, चाहे आधा घंटे हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 1 घंटे हो, जितना भी समय है उस समय का आप उपयोग प्रॉपरली करें, इफेक्टिवली करें, एक्यूरेटली करें। तो इमेंस डिजायर टू टीच, अब जैसे आप कहते हैं कि क्या है, एक कैंडल, कैंडल गिव द लाइट टू द अदर ओनली व्हेन इट बर्न्स। कैंडल तभी, मोमबत्ती तभी प्रकाश देती है जब वो स्वयं जलती है। तो उसी तरह शिक्षक भी होता है, तो शिक्षक को भी जलना पड़ता है। जलना मतलब तैयारी करना पड़ता है, क्लास में जाने से पहले उसे क्या पढ़ाना है वो देखना पड़ता है। मैं सैकड़ों बार इस टॉपिक को पढ़ा चुका होगा पिछले 20 सालों में, बट एक बार क्लास में आने से पहले मुझे 1 घंटा पढ़ना पड़ता है कि यार ये सीक्वेंस है, नहीं तो 50% भूल जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, आप जिस चीज़ को आप 10 दिन न पढ़े तो 50% भूल जाता है, अगले में आएगा फॉरगेटिंग। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में फॉरगेटिंग है कि अगर 24 घंटे किसी चीज़ को आपने याद किया और 24 घंटे में वो 20% भूल जाता है, तो ये ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए शिक्षक को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। अगर वो एक शिक्षक है, विवेकानंद जी ने कहा था कि एक शिक्षक को कैंडल की तरह होना चाहिए, स्वयं में अगर है, आप में क्षमता है, आप में योग्यता है, आप में दक्षता है, आप में ज्ञान है, तभी तो आप दूसरे को देंगे। आप खुद खाली हैं तो क्या देंगे? आपके पॉकेट में पैसा नहीं है और भिखारी मांगने आ गया तो क्या आप दोगे? उसको डांट के भगा देते हैं क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो जब हमारे पास होगा, भिखारी का मतलब नहीं कि मैं विद्यार्थियों को भिखारी कह रहा हूँ, एग्जाम्पल है। तो जब आपके पास होगा तभी आप देंगे। और आपके पास होगा कैसे? जब आप पढ़ेंगे, जब अपनी तैयारी करेंगे। शिक्षक बनने के बाद भी 1-2 घंटा पढ़िए तो जरूरी होता है। तो मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे आता नहीं था, कभी समझ में नहीं आया साइन कॉस और टैन क्या होता है, कभी मुझे समझा ही नहीं मैंने उसको, किसी तरह से रट के पास हो गया। बाद में जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो किसी ने कहा यार मेरे बेटे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। मैं बोला यार कहाँ से पंगा ये आ गया, ट्रिग्नोमेट्री मुझे खुद नहीं आती। तो मैंने फिर किताब पढ़ना शुरू किया। देखिए ठीक है, एज के साथ आपका नॉलेज और कंसेप्ट बढ़ता है। अब मैंने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे समझ में लगा यार साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, फिर उसके जो सॉल्व करने होते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस क्या है इक्वल टू 1, पहले समझे में नहीं आता था ये 1 कैसे आ गया, कितने बार टीचर से पूछा, सीनियर से पूछा, लेकिन अब जब मैंने पढ़ा तो समझ में आ गया। तो उसी तरह से जब आपने डिप्लोमा किया होगा, डिग्री किया होगा, ITI किया होगा, उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा बहुत सी चीज़ें, अब आप उसी बुक को पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ये कंटेंट है, जब आपको पढ़ाना होगा आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये होता है डिजायर टू टीच। और डिजायर टू टीच का मतलब आपको खुद डेवलप करना होता है, इमेंस डिजायर टू टीच। शिक्षक के अंदर एक इमेंस डिजायर होना चाहिए कि वो उसे, और डिजायर कब होगी? जब वो खुद डेवलप करेगा, डेवलप द ही शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव न्यू थिंग, ट्राई टू प्रोवाइड न्यू थिंग इन द क्लास, ट्राई टू प्रोवाइड न्यू कंसेप्ट, कोई नई अभिधारणा। कंसेप्ट का मतलब होता है अभिधारणा, इन क्लास। और जब कोई नई अभिधारणा क्लास में देना होगा देन यू हैव टू
डेवलप योर सेल्फ, अपने को जब आप पढ़ेंगे कुछ सीखेंगे तभी तो देंगे. सो प्रोवाइड न्यू कंसेप्ट इन द क्लास आफ्टर डेवलपिंग द न्यू नॉलेज एंड स्किल, नए ज्ञान और दक्षता को, नए ज्ञान और दक्षता को प्राप्त करके आप कक्षा में कुछ नया देने की कोशिश करें. स्वाद ही नहीं खत्म हुआ भाई, क्लास बहुत टाइम निकल गया यार, क्वालिटी में ही अब उलझ गए. चले अब आगे हम बढ़ते हैं. इसमें अगला पॉइंट है 6 पॉइंट, पर्सनालिटी. व्यक्तित्व का विकास. अब मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं आप कोशिश करें कि उसको अपने में भी ढालने की कोशिश करें, तभी उसका फायदा होगा. नहीं तो जो मैं 1-1.5 घंटे मेहनत करता हूं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा. व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व का, नॉट एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति की तरह अपने व्यक्तित्व का विकास करना सतत जारी रखिए. हमेशा प्रयत्न करिए कि कुछ कुछ मैं सुधार करूं. आपके बोलने की यानी वाक शक्ति का सुधार करिए, संप्रेषण शक्ति में सुधार करिए, प्रस्तुतिकरण शक्ति में सुधार करिए. कुछ भी अगर आपने सुधार कर लिया, कल और आज में अगर थोड़ा भी फर्क हो गया तो इसका मतलब आपके व्यक्तित्व में कुछ सुधार हुआ. नहीं तो हम वही हैं, बहती नदी में एक लकड़ी आपने डाल दिया तो धारा के साथ बहती हुई चली जाएगी. तो उसी तरह समय की धारा में हम बहते चले जा रहे हैं, लेकिन इस समय के साथ क्या हम तन्मय हैं? टाइम मैनेजमेंट खैर उसको बताएंगे. इसलिए व्यक्तित्व के लिए जरूरी है कि हम ऑलवेज कंटिन्यूअस स्ट्राइव टू इंप्रूव. कंटिन्यूअसली, ओ यू एस, कंटिन्यूअसली ट्राई टू इंप्रूव. सुधार के लिए सतत प्रयत्न करना, सुधार के लिए सतत प्रयत्न करना. हमारे पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी, सॉरी, माइंड, बॉडी, कैरेक्टर, हैबिट एंड नॉलेज. अब इस नॉलेज के साथ स्किल भी जुड़ा है. तो आपका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में ऊपर लिखा नहीं, ये आप लिख लें. पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी, कैरेक्टर, हैबिट एंड नॉलेज. अब इन चीजों का आप सुधार करिए. अपने मस्तिष्क को हमेशा कुछ न कुछ नयापन दीजिए, नई चीज दीजिए. आपने एक बगीचे में अगर फूल लगाया, पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा. इसी तरह अपने माइंड में डेली कुछ नई सूचना डालिए, नया विचार डालिए. चाहे एक शब्द ही हो, हिंदी का शब्द हो, इंग्लिश का शब्द हो, वही आप सीखिए, कुछ न कुछ दीजिए. तो माइंड और शारीरिक रूप से खैर स्वस्थ रहना जरूरी है आपको. अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, यानी फिजिकली आप स्वस्थ नहीं है तो मेंटली भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, और मेंटली अगर स्वस्थ नहीं है तो फिजिकली आप थकान महसूस करेंगे. ये माइंड एंड बॉडी का दोनों का है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कोशिश करें. आपका चरित्र, चरित्र बहुत जरूरी है, हम आगे आएंगे डिस्कस करेंगे. आदत, आदत स्वयं से बनती है. 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप करते रहते हैं तो आपका कार्य होता है. जब उसे रेगुलर कुछ दिनों तक करते हैं तो वही आदत बन जाती है, और एक लंबे समय तक जब ये आदत बनी रहती है तो ये ट्रेड्स हो जाता है. ये आदत ही आपकी ट्रेड्स बनती है. अब आदत दोनों हो सकती है, अच्छी आदत, बुरी आदत, तो वो आपका फिर ट्रेड्स बन जाता है. एंड नॉलेज, नॉलेज के साथ दक्षता भी जुड़ा होता है. तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको, जैसे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, सीखने का सिद्धांत है, कंसेप्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स हैं, उसको आप सीखिए. तो ये आप कोशिश करते रहिए. व्यक्तित्व के विकास के लिए एक शिक्षक में ये बहुत जरूरी है कि वो एक अपने व्यक्तित्व का अच्छी तरह से विकास करे. चलिए
डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, और इससे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब कुछ होता है एडिशनल एडिशनल रिक्विजिट। एडिशनल रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव टीचर, टीचर का मतलब यहाँ ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर भी समझ लें, अगर मैं टीचर लिख रहा हूँ तो केवल शिक्षक के लिए नहीं है, वो प्रशिक्षक के लिए भी है और अनुदेशक के लिए भी है, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही के लिए वो है। तो एडिशनल, सॉरी एल छूट गया, एडिशनल अतिरिक्त, अतिरिक्त अपेक्षाएँ, एक प्रभावकारी प्रशिक्षक या शिक्षक की अतिरिक्त अपेक्षाएँ क्या हो सकती हैं, तो एडिशनल, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर किसी भी शिक्षण में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो या वो वोकेशनल ट्रेनिंग में हो या किसी तकनीकी संस्थान में हो, तो वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, इट इज़ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एंड पर्सनालिटी ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द ट्रेनिस, व्यक्ति का यानी शिक्षक का व्यक्तित्व ही विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। ट्रेनिज गेट इंस्पायर्ड बाई द टीचर, शिक्षक से ही उसे एक उत्साह मिलता है कि क्या मैं काम करूं, कैसे करूं। तो इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक हमेशा कोशिश करे कि उसके फ्यूचर को किस तरह से सुधारा जाए, क्या क्या क्लास में बताया जाए, ये ज़रूरी है कि उसके एटीट्यूड बिहेवियर्स, इस सब के लिए यह ज़रूरी है कि शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक का यह अर्थ केवल नहीं होता है कि वह अपने अनुदेश को अच्छी प्रकार कक्षा में पढ़ा दे, यह तो उसका दायित्व है, यह तो उसका कार्य है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से अतिरिक्त तथ्य या फैक्ट्स होते हैं जिसे कक्षा में और वर्कशॉप में उसे करना चाहिए, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशंस को इस प्रकार दे कि उसका विद्यार्थी एक सार्थक टेक्निकल एक्सपर्ट्स बनने के साथ साथ समाज में एक अच्छा नागरिक भी बने, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको वो दोनों उसको, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह उसके अंदर कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ व्यक्तिगत एडिशनल क्वालिटीज़। तो एडिशनल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर आता है फिजिकल क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ जहाँ मैं लिख रहा हूँ उसका आप फिर मतलब रिक्विजिट भी समझ जाए, फिजिकल क्वालिटीज़, मेंटल क्वालिटीज़, मॉरल क्वालिटीज़ एंड पर्सनल क्वालिटीज़। मैं हो गया क्या, पांच मिनट बचा है, चलिए कोई नहीं, इस पर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ये क्वालिटीज बहुत थोड़े थोड़े से ज्यादा नहीं, बट मैं तो आज आगे तक आज पूरा जितना बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन तक खत्म कर दूं, बट नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं, जितना आप सीख सकें, आप बोर तो नहीं हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब पता नहीं, आप वही मैंने कहा ना कि रियली ऑनेस्ट आर सीम्स टू बी ऑनेस्ट वाली बात तो नहीं है कि क्या वास्तव में आप बोर नहीं हुए या केवल ऊपर से कह रहे हैं कि बोर नहीं हुए। तो चले मैं पाँच मिनट और लूँगा, बस अब एक थोड़ा सा वो कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस, कोई पोस्ट कैसे क्रिएट होती है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग एक गतिशील क्रिया है, ये तो आप जानते ही हैं, जिसमें नॉलेज भी होता है और स्किल भी होता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और दूसरा है मैनिपुलेटिव यानी स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज़, है ना, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज़, और ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ और स्किल एक्टिविटीज़ टास्क यानी कार्य बनाता है, टास्क, एंड व्हाट इज द टास्क,
एक इंटरव्यू में आया था, मैं कहीं इंटरनेट पर पढ़ रहा था इसलिए मुझे ध्यान आ गया, तो अभी मैं जस्ट एक जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज द टास्क, द टास्क की परिभाषा क्या होती है? टास्क इज ए ह्यूमन इफोर्ट, टास्क इज ए ह्यूमन इफोर्ट एक्सर्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। टास्क इज ए ह्यूमन इफोर्ट यानी कार्य क्या है? मानवीय प्रयत्न है। एक्सर्टेड फॉर, एक्सर्टेड यानी किया जाता है, दिया जाता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया मानवीय प्रयत्न। पहले आप इंग्लिश में लिख ले, टास्क इज ए ह्यूमन इफोर्ट एक्सर्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। इसको आप हिंदी में भी लिख ले, किसी विशिष्ट उद्देश्य के, क्योंकि टास्क की परिभाषा कोई पूछ सकता है आपसे, तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया मानवीय प्रयास, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया मानवीय प्रयास टास्क या कार्य होता है, टास्क या कार्य होता है। तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया मानवीय प्रयास टास्क होता है या कार्य हो। तो जब ये टास्क, ज्यादा से ज्यादा टास्क अकुमुलेट हो जाते हैं, देन इट जस्टिफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्सन। तो किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर ट्रेड का एक टास्क होता है, एंड अकॉर्डिंगली ए पोस्ट इज क्रिएटेड। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा टास्क एक जगह हो जाते हैं तो एक पोस्ट क्रिएट होती है और किसी न किसी का एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, बंद करें आज। ओके, थैंक यू, चलिए।